श्रीवास्तव और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेटरल एंट्री पर ब्रेक लग गया। जिस तरीके से सियासत लगातार इस मामले में हो रही थी और सियासी उबाल देखते हुए केंद्र सरकार का लेटरल एंट्री पर ब्रेक लग गया। कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को चिट्ठी लिखी है, सीधी भर्ती का विज्ञापन रद्द करने को कहा है। प्रधानमंत्री के निर्देश पर यूपीएससी में सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है। प्रधानमंत्री से हुई बातचीत के बाद मंत्री जितेंद्र सिंह ने पत्र लिखा और बताया गया इस पत्र के जरिए कि प्रधानमंत्री सामाजिक न्याय संविधान के मुताबिक आरक्षण के पक्षधर हैं। जितेंद्र ने बताया 17 अगस्त को जारी विज्ञापन निरस्त किया जाए और लेटरल भर्ती मामले में राहुल गांधी का पोस्ट भी बताया गया कि संविधान आरक्षण की हर कीमत पर को रक्षा करेंगे। बीजेपी की साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करेंगे। जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक जो न्याय है वो सुनिश्चित करेंगे। 50% आरक्षण सीमा को हम तोड़ देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि जातीय जनगणना के आधार पर सामाजिक न्याय हो। सरकार पीडीए की एकता के आगे झुक गई है। राहुल गांधी का किया गया पोस्ट क्योंकि इस पर विपक्ष लगातार एकजुट था, हमलावर था और कहीं ना कहीं सरकार के सामने भी एक बड़ा सवाल हो गया था। सरकार को भी इस मामले में कहीं ना कहीं झुकना पड़ा है। और देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे का भी किया गया पोस्ट आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार संविधान की जीत होती, संविधान जयते। उन्होंने लिखा कि हमारे दलित आदिवासी पिछड़े और कमजोर वर्गों के सामाजिक न्याय के लिए कांग्रेस की लड़ाई ने बीजेपी के आरक्षण छीनने के मंसूबे पर पानी फेरा है। लेटरल एंट्री पर मोदी सरकार की चिट्ठी दर्शाती है कि तानाशाही सत्ता के अहंकार को संविधान की ताकत ही बचा सकती है। और अखिलेश यादव का भी इस मामले में जो पोस्ट है सामने आ चुका है, उसमें उन्होंने लिखा है कि बीजेपी के षड्यंत्र अब कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये पीडीए में आए जागरण और चेतना की एक बड़ी जीत अखिलेश यादव ने इस मामले में बताया है और कहा है कि सरकार पीडीए की एकता के आगे झुक चुकी है। और आपसे भी इसमें देखिए पोस्ट आया है संजय सिंह का, लिखा है कि उन्होंने कि सावधान हो जाइए, बीजेपी की राजनीति इस देश से खत्म करिए वरना आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। लेटरल एंट्री रद्द करने का फैसला उन्होंने बताया कि तत्कालिक दिखावा है। 4 राज्यों के चुनाव के बाद आईएएस में आरक्षण खत्म होगा। संजय सिंह ने भी इस मामले में पोस्ट किया है, यानी कि विपक्षी पार्टियां इसको लेकर पूरी तरह से लामबंद हो चुकी है और सब एकजुट थे इस मामले में। एक सबसे बड़ी नौकरी थी जिसमें दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की भागीदारी होती थी, उसमें आरक्षण खत्म कर दिया। आईएएस का आरक्षण खत्म, लैटरल एंट्री के जरिए सीधे आईएएस बनाए जाएंगे, ये मोदी का मकसद है। अब तक 63 आईएएस लैटरल एंट्री के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाए हैं। ये गुनाह किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी बेनकाब हो चुकी है। 63 आईएएस बगैर आरक्षण के भर्ती किए गए। किस आधार पर भर्ती किए गए? अभी 45 आईएएस की भर्ती और करने के लिए, लेटरल एंट्री के जरिए करने के लिए, पिछले दरवाजे से करने के लिए इन्होंने विज्ञापन निकाला। किस आधार पर आपने निकाला? आप बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते? आप भारत की आरक्षण व्यवस्था को नहीं मानते? आप देश में आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं? दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों का हक छीनना चाहते हैं? तो इसलिए जरूरी है जागना, देश को जगाना। और दीपक मेरे साथ इस खबर पर मौजूद हैं। दीपक, ये मामला पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ था, काफी सियासी उबाल देखने को मिला, तमाम प्रतिक्रियाएं आई और फिलहाल केंद्र सरकार का इस लेटरल एंट्री पर ब्रेक, इसको किस तरीके से समझा जाए, इसके क्या मायने हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस मामले में सीधा सीधा हस्तक्षेप करते हुए विज्ञापन पर रोक लगा दी है, कैसे समझे? जी बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से देखा गया था कि 17 अगस्त को जब यूपीएससी लिटरल को लेकर के जब नोटिफिकेशन जारी होता है उसके बाद से ही तमाम विवाद सामने खड़े हो जाते हैं। तमाम जो विपक्षी दल हैं वो केंद्र सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि आरक्षण को खत्म किया जा रहा है और कहीं ना कहीं दलितों को और जो SC ST OBC वर्ग हैं उन पर अत्याचार किया जा रहा है। ये लगातार जो विपक्षी दल हैं वो भाजपा पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जब आज केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है लिटरल को वापस
वापस ले लिया है, जो रद्द कर दिया गया यूपीएससी लिटरल भर्ती को, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन इसमें भी विपक्षी अपना जीत बता रहे हैं। तो हमने तमाम विपक्षी नेताओं का ट्वीट देखा, उन्होंने साफ तौर पर कोई सत्यमेव जयते का ट्वीट करा है, तो कोई ये आरोप लगा रहा है कि बस चार विधानसभाओं के चुनाव तक ये रद्द किया गया, उसके बाद फिर से लागू किया जाएगा। क्योंकि भाजपा पे विपक्ष लगातार आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि वो आरक्षण को खत्म करने वाली है। क्योंकि यदि हम ये लेटरल यूपीएससी लेटरल की बात करें तो इसमें 45 पद होते हैं जिसके तहत अब इसमें भर्ती होना था, लेकिन अब प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद इसको कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन यदि हम केंद्र सरकार की बात करें तो अश्विनी वैष्णव ने साफ तौर पे कहा है कि ये जो फैसला है, और भाजपा कभी भी आरक्षण को खत्म करने के पक्ष में नहीं है, भाजपा SC ST OBC वर्ग को कभी भी दरकिनार नहीं की है। क्योंकि तमाम जो हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव से ही आरक्षण को लेकर के तमाम बड़ी बड़ी बातें कही जाती थी, चाहे हम विपक्ष लेकर के जिक्र करें या फिर हम सत्ता पक्ष की बात करें, तो आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। लेकिन जब ये यूपीएससी लेटरल भर्ती आता है तो उस पर भी विवाद देखने को मिला था, जब 17 अखिलेश यादव और कांग्रेस के कई नेता इस मामले को कह रहे हैं कि ये पीडीए की बड़ी जीत है, पीडीए की बड़ी जीत बता रहे। हालांकि संजय सिंह का कहना है कि महज दिखावा है, चुनावों के बाद एक बार फिर से सरकार की भूमिका बदल जाएगी इस मामले में। जी बिल्कुल साथी, जिस तरह से देखा जाए, आपने जिक्र किया अखिलेश यादव का, चाहे राहुल गांधी का, मल्लिकार्जुन खड़गे का, तो तमाम ये जो विपक्ष के दिग्गज नेता है जिन्होंने लेटरल यूपीएससी मामले में हस्तक्षेप भी किया था, जब देखा गया था कि 17 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उस वक्त भी सभी बड़े नेताओं ने ट्वीट करते हुए इसका विरोध किया था। लेकिन जब आज इस पर दोबारा पत्र दाखिल किया गया, जब जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी के चेयरमैन को पत्र जारी करके इसको खारिज करने का प्रस्ताव रखा है, उनको कहा गया कि इसको तुरंत प्रभाव से खत्म किया जाए, तो कहीं ना कहीं विपक्षी इसको अपना एक बड़ी जीत बता रहे हैं। वहीं हमें संजय सिंह को भी सुना, संजय सिंह ने साफ तौर पे कहा कि सिर्फ ये चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए दिखावा है और बीजेपी आरक्षण को खत्म। अच्छा, विपक्ष की तरफ से लगातार ये भी कहा जा रहा था कि सरकार खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए दीपक। बढ़ते अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में